أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है रियल एनालिसिस कोर्स का। लेक्चर नंबर 3 रियल एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी थ्योरम। वो है डेंसिटी थ्योरम। पेज है जी 44। डेंसिटी थ्योरम पेज नंबर 44। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है क्या? इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स, इफ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद x less than y, then there exists a rational number, r belong to q, set of rational numbers say, such that x less than r less than y। दोबारा देखें डेंसिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है इफ x एंड y और एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो विद x less than y, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो बस दोनों सेम ना हो, बाकी बड़े छोटे हों पड़े कोई बात, then there exist a rational number or belong to q such that x less than r or less than y। स्टेटमेंट है क्या? स्टेटमेंट दरअसल ये कह रही है हर दो रियल नंबर्स के दरमियान हमें एक रेशनल नंबर ज़रूर मिले। अब जितने भी करीब रियल नंबर लें, बस वो सेम ना हो, बराबर ना हो, उन दो रियल नंबर्स के दरमियान हमें एक रेशनल नंबर ज़रूर मिलेगा। यह है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? क्या कहती है स्टेटमेंट? ये कह रही है कोई भी दो रियल नंबर्स हों जो इक्वल ना हों तो उनके दरमियान एक रेशनल नंबर ज़रूर होगा। चले हम इसका प्रूफ करते हैं। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं, हम सपोज करते हैं कि x कोई भी ग्रेटर देन जीरो रियल नंबर है। लेट x ग्रेटर देन जीरो, हमने सपोज कर लिया कि x क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और हमें गिवन किया है कि x less than है वैसे, given that x less than y। अगर x y से less है तो इसका मतलब क्या होगा? y minus x greater than 0 होगा। given क्या है हमें? x less than है y से, तो y minus x तो पक्की बात है greater than 0 होगा। अगर y माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमने कल ही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो ज़ीरो से बड़ा तो हमें उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। बाई यूजिंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी? कोई भी रियल नंबर जो ज़ीरो से बड़ा हो तो हमें उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर, कोई भी आप रियल नंबर लें ज़ीरो से बड़ा, उससे बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। तो हमें इस y माइनस x से एक बड़ा नेचुरल नंबर ज़रूर मिलेगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस x लेस देन n।
सॉरी, यहाँ पे अर्शमीदन प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होगा। लास्ट में हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इफ टी ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन सच दैट ज़ीरो लेस देन वन ओवर एन लेस देन टी। ये हमने लास्ट टाइम थ्योरम पढ़ा था। क्या इफ टी ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन सच दैट ज़ीरो लेस देन वन ओवर एन लेस देन टी। इनके हर जो ज़ीरो से बड़ा नंबर होगा हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा, सच दैट वन ओवर एन लेस देन टी। ये हमने कल ही पढ़ा था। अगर ये अब टी की जगह पे y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन, हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा कि वन ओवर एन लेस देन टी, यानी कि y माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज वन ओवर एन लेस देन y माइनस एक्स। इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने क्या t greater than 0 then there exist n belong to n such that 0 less than 1 over n, 1 over n less than t। ठीक है ना। तो अब ये t की जगह y minus x है तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि उसका रेसिप्रोकल इस y minus x से छोटा होगा। दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 less than n y minus n x। n x को इधर ले आए तो इसका मतलब ये हुआ एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई, इसे वन का नाम दें। क्या किया, हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा मिला कि उसका रेसिप्रोकल वाई माइनस एक्स से छोटा होगा। एन से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, वन लेस देन एन वाई माइनस एन एक्स आ गया। इस एन एक्स को इधर ले गया तो एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई आ गया। अब हमने सपोज ये किया हुआ था कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड n आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो बिकॉज n बिलोंग टू n है। क्या है, हमने ये कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो है और n भी ग्रेटर, क्योंकि n नेचुरल नंबर का नंबर है ना, नेचुरल नंबर का हर मेंबर ज़ीरो से बड़ा होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज एन एक्स आल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर एन भी ज़ीरो से बड़ा है, एक्स भी ज़ीरो से बड़ा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो से बड़ा होगा। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था इफ़ वाई ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन सच दैट y less than or equal to y less than n and less than or equal to n minus 1। ये हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था, कोई भी मेंबर हो तो हमें ऐसा एक नंबर ज़रूर मिलेगा। If y greater than 0 then there exist n belong to n such that y less than or equal to n, और y कहाँ से लेस होगा, n माइनस वन से। अब ये अगर n x ज़ीरो से बड़ा है तो हमें इसके लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलेगा, तो हमें इसके लिए एक नेचुरल नंबर मिलेगा, वो हम सपोज कहते हैं देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट क्या होगा, m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स लेस देन m। ठीक है ना, n x जीरो से बड़ा है तो इसके लिए हमें एक नेचुरल नंबर ऐसा मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, लेकिन उसमें से हम एक तफरीक करें तो वो इससे छोटा या इसके बराबर हो जाएगा। m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स लेस देन m, ठीक हो गया। अगर ये इससे लेस है, इस वन को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो दिस इंप्लाइज m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू n x। इसका क्या मतलब है,
इस वन को उधर लेगा जो एम लेस देन एन एक्स प्लस वन, और हमने पीछे क्या किया हुआ है कि एन एक्स प्लस वन किस से लेस है, एन वाई से लेस है। एन एक्स प्लस वन किस से लेस है, एन वाई से लेस है। तो इस एन एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं लेस देन एन वाई बाई यूजिंग इक्वेशन वन। क्या है, m लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स प्लस वन, एन एक्स प्लस वन किस से लेस है, एन वाई से लेस है। अब ये क्या था, m माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स लेस देन m, इसे हम इक्वेशन टू का नाम दे दें। यहां से क्या आएगा, अगर m लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स प्लस वन है, एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई है, तो यहां से क्या आएगा, m लेस देन होगा एन वाई से। एम अगर एन एक्स प्लस वन ही इससे छोटा है तो एम भी तो छोटा होगा, इसे हम तीन का नाम दे देते हैं। बाई यूजिंग टू एंड थ्री क्या है, एन एक्स छोटा है एम से और एम छोटा है एन वाई से। बाई यूजिंग टू एंड थ्री, इस टू और थ्री का इस्तेमाल करते, क्यों एन एक्स छोटा है एम से और एम छोटा है एन वाई से, एन एक्स छोटा है एम से एम छोटा है एन वाई से, दोनों तरफ हम एन से डिवाइड कर दें तो एक्स लेस देन एम ओवर एन लेस देन वाई। अभी हमें एक रेशनल नंबर मिल गया एक्स और वाई के दरमियान, यही हम शो करना चाहते थे कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर ज़रूर सच, सो देयर एग्जिस्ट आर इज इक्वल टू एम ओवर एन सच दैट एक्स लेस देन आर लेस देन वाई। एम ओवर एन को हमने आर का नाम दे दिया, तो बस हमें एक ऐसा रेशनल आर मीन्स रेशनल नंबर मिल गया जो एक्स और वाई के दरमियान है, यही हम शो करना चाहते थे। दोबारा देख लें इसको एक दफ़ा। स्टेटमेंट थी हमारे पास कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर हमें ज़रूर मिलेगा। हमने सपोज कर लिया कि एक्स भी ज़ीरो से बड़ा है, ये हमें गिवन था कि एक्स जो है ना वाई से लेस है, अगर एक्स वाई से लेस है तो वह माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। कोई भी रियल नंबर हो तो हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था, इफ़ टी कोई भी रियल नंबर हो तो हमें एक ऐसा एन मिलेगा कि उसका रेसिप्रोकल उस पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि हमें एक एन मिला वन ओवर एन लेस देन आर इक्वल टू वाई माइनस एक्स, हमने दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर दिया, वन लेस देन एन वाई माइनस एन एक्स, एन एक्स उधर गया तो एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई, इसे हमने इक्वेशन वन का नाम दे दिया। फिर ये हमें गिवन है कि एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और एन भी ग्रेटर देन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इफ़ वाई ग्रेटर देन ज़ीरो देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग टू एन सच दैट एन माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू वाई, वाई लेस देन एन। तो हमें इस एन एक्स के लिए भी एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए ऐसा, वो हमने सपोज कर लिया एम है सच दैट एन एक्स लेस देन एम और एन एक्स लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम माइनस वन, एम माइनस यहाँ से क्या आ गया एम माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स, ये वन उधर गया तो एम लेस देन आर इक्वल टू एन एक्स, इसको लिया पहली हाफ फर्स्ट हाफ इनक्वालिटी को लिया तो ये माइनस वन उधर गया। फिर हमें ये गिवन है कि एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई है, तो एन एक्स प्लस वन लेस देन एन वाई हमने लिख दिया, इसे यहाँ से क्या आ गया एम लेस देन एन वाई, इसे हमने थ्री का नाम दे दिया। टू और थ्री का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं एन एक्स लेस देन एम और एम लेस देन एन वाई, दोनों तरफ एन से डिवाइड किया, यही हमें रेशनल नंबर आर मिल गया एक्स और वाई के दरमियान, यही हम प्रूव करना चाहते थे। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है पेज नंबर 44 के ऊपर, इसी से मिलता जुलता ही है, यहाँ भी हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर हमने प्रूव किया है। अब हमने शो ये करना है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल भी ज़रूर होता है। देखते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर
रियल नंबर्स, रियल नंबर्स विद एक्स लेस देन वाई, देन देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर जी एंड इरेशनल नंबर जी सच दैट एक्स लेस देन जी लेस देन वाई। बड़ा देखें स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ये है इफ़ एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर्स विद एक्स लेस देन वाई देन देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर जी सच दैट एक्स लेस देन जी जी लेस देन। अभी हमने डेंसिटी थ्योरम में ये प्रूव किया है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर होता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर भी ज़रूर होता है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है हमें, एक्स एंड वाई आर एनी रियल नंबर, गिवन दैट एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स विद एक्स लेस देन वाई। अगर एक्स वाई से लेस है तो इसका मतलब गिवन क्या है हमें, एक्स एंड वाई कोई भी रियल नंबर है विद एक्स लेस देन वाई। अगर एक्स वाई से लेस है तो हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से इसे डिवाइड करें तो वो भी लेस होगा। इसका क्या मतलब है, एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू लेस देन वाई ओवर स्क्वायर रूट टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर रूट टू का जो आंसर आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा, वन पॉइंट कुछ भी आएगा। जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर एक्स रियल नंबर है तो एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू भी एक रियल नंबर, वाई ओवर स्क्वायर रूट टू भी एक रियल नंबर। अभी हमने डेंसिटी थ्योरम पढ़ा है, वो क्या कहते हैं, हर दो रियल नंबर के दरमियान हमें एक रेशनल नंबर ज़रूर। भाई डेंसिटी थ्योरम, देयर एग्जिस्ट आर बिलोंग टू क्यू सच दैट, डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक रेशनल नंबर ज़रूर। में हमने सपोज कर लिया कि इन दो रियल नंबर्स के दरमियान भी हमें एक रेशनल नंबर आर मिल रहा है, एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू लेस देन आर, आर लेस देन वाई ओवर स्क्वायर रूट टू। हर दो रियल नंबर्स के दरमियान हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, तो हमें एक्स ओवर स्क्वायर रूट टू और वाई ओवर स्क्वायर रूट टू के दरमियान भी मिल गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट टू से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स लेस देन स्क्वायर रूट टू इंटू आर लेस देन वाई। अब स्क्वायर रूट टू चूँकि एक इरेशनल नंबर है, इसे किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू इंटू आर, वी आर z इज एन इरेशनल नंबर। क्यों स्क्वायर रूट टू से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट टू से हम किसी भी नंबर को, रियल हो रेशनल हो जिसको भी मल्टीप्लाई, हम स्क्वायर रूट टू से किसी भी रेशनल नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल। जब भी कभी हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल में ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर एक इरेशनल नंबर आता है। तो जी भी एक इरेशनल नंबर होगा, तो इसमें एक्स लेस देन जी, z लेस देन वाई, यही हम प्रूव करना चाहते थे, यही हम शो करना चाहते थे कि हर दो रियल नंबर्स के दरमियान एक इरेशनल नंबर भी ज़रूर मिलता है। दोबारा देखें इसे, स्टेटमेंट ये थी कि x एंड y आर एनी रियल नंबर विद x लेस देन y then there exist an irrational number z such that I mean के हर दो real numbers के दरमियान एक irrational। हमें given क्या था कि x less than है y से, अगर x y से less है तो x over square root टू भी less than होगा भाई। किसी positive number से multiply divide करें तो inequality change नहीं होती। अब अगर x और y real number हैं तो x over square root टू और y over square root टू भी एक
दोनों रियल नंबर हैं। डेंसिटी थ्योरम क्या कहता है कि हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रेशनल नंबर ज़रूर, तो हमें इन दोनों के दरमियान भी एक रेशनल नंबर आर मिलेगा, वो हमने आर कह दिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट टू से, स्क्वायर रूट टू जब भी एक इरेशनल नंबर है, जब एक इरेशनल नंबर किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो जो आंसर आता है वो एक इरेशनल, वो हमने कह दिया जी है, जी इज इक्वल टू स्क्वायर, जी इज एन इरेशनल नंबर, यही हम शो करना चाहते थे।